रजिया, रजिया की बच्ची कहाँ रह गई? रजिया क्या हुआ? अबीर भाभी, रजिया कहाँ है? उसे मैंने बाहर भेजा है किसी काम से। भाभी भाई, कुरियर वाला आया है, मैंने ऊपर से देखा है, मेरा रिजल्ट कार्ड लेके आया होगा। अब बताए मैं क्या करूँ? तो जाके लो ना उससे। भाभी क्या बोल रही हैं आप, बाबा जाने देख ले तो? वो अपने कमरे में। नहीं नहीं, आप रहने दे, मैं अम्मी जान से, अम्मी जान को भी तो इतना तेज बुखार है। अर्जुमन भाभी भी आफाक भाई के साथ गई है, अब बताए मैं क्या करूँ? अच्छा परेशान मत हो, मैं जाके लेकर आती हूँ। थैंक यू सो मच भाभी। क्या हुआ भाभी? अभी भाभी आप ठीक है ना? नहीं, बस थोड़ा सा पेन हो रहा है। भाभी आप यहाँ पे रेस्ट करें, बेल हो रही है, मैं फिर खुद ही देख लेती हूँ। हाँ चला ना जाए, पापा जान ना देख रहे हैं। पापा जान नहीं है, मेरा रिजल्ट अच्छा है, चौकीदार का रह गया है। बाबा जान, मैं ये देखें, ए प्लस ग्रेड से मैं पास हुई हूँ। ये मैं तो बस यहाँ पर। बेशरम, बेहया, तेरी इतनी जुर्रत कि तू दरवाजे पे आए? हाँ, तुझे मना किया था ना, किया था ना मना? बाबा जान, आई, बाबा जान, बाबा। मना किया था ना तुझे, हाँ, बाहर ना निकलना, मना किया था ना? नहीं बाबा, माफ कर दे मुझे। मैं क्या करता हूँ? अच्छा मुमताज, बीच में मत आना, बीच में मत आना, चलो चलो चल चल, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, इधर मर। तुम चुप कर, चुप कर। तो एक महीने के लिए, एक महीने के लिए तो इस कमरे में बंद रहेगी, और अगर तूने मेरा हुक्म ना माना तो तेरी टांगे काट के हमेशा के लिए तुझे अपाच कर दूंगा। बाबा जान ने मुझे सजा दी है कि मैं एक महीने तक अपने कमरे से बाहर ना निकलूं। हाँ ठीक है, लेकिन बुखार है तुम्हें, चलो। नहीं भाई, प्लीज आप रहने दें। इसके लिए आप जाकर बाबा जान से बात करें ना। नहीं भाभी, उनको लगेगा कि मैंने आप लोगों को भेजा उनके पास। अजीब बात, क्या हालत हो गई है इसकी, कोई इसके लिए कुछ नहीं बोल सकता। सुनो, मैं तुम्हारे लिए किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन लेके आता हूँ। मैनाल, तुम गई क्यों थी गेट पर? तुम्हें मालूम है ना कि बाबा जान को तुम्हारा इस तरह से गेट पर जाना अच्छा नहीं लगता। भाभी, बाहर बेल पे बेल हो रही थी और घर पे कोई था भी नहीं,
अम्मी जान की पहले से ही बहुत तबीयत खराब है और अबीर भाभी की भी अभी ऐसी हालत नहीं थी। इतनी बेल हो रही थी, मैंने देखा कोई मुलाजिम भी नहीं था और मैंने पहले पूछा था कि कौन है, डाकिया था, वो मेरा रिजल्ट लेकर आया था। भाईजान मैं पास हो गई हूँ, मैं फर्स्ट क्लास से पास हुई, ए ग्रेड भी आया मेरा। वाकई? बहुत खुशी की बात है बेटा। ये तो साहब जी, आपको बड़े साहब जी बुला रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। सुनो, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन भिजवाता हूँ। भाई मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। हाँ क्यों नहीं, बताओ मुझे कौन से सब्जेक्ट में मास्टर्स करना है, मैं खुद तुम्हारे लिए बुक्स लेके आऊंगा। पहले बाबा जान से इजाजत तो ले ले। तुम फिक्र मत करो इजाजत की, वो सब भी हो जाएगा, तुम परेशान ना हो। ओके चलो शाबाश, अब रोना बंद करो मिनाल। इसलिए रो रही हूं क्योंकि मुझे डर है बाबा जान इजाजत नहीं देंगे, और मुझे डर है कि कहीं इतनी सारी सख्तियां तुम्हें। क्या भाभी? कुछ नहीं। मैं देख लूं। आपने बुलाया था मुझे? मिलाए अपनी लाडली बहन से, क्या शिकायतें लगा रही थी? नहीं अबा जान, ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो बता रही थी कि बीए का इम्तिहान पास कर लिया उसने। तो क्या करे, लड्डू बांटे, वाह वेला करे कि वो पास हो गई है? नहीं जी, वो बजान वो आपकी इजाजत चाह रही है आगे पढ़ने के लिए। खबरदार, खबरदार, अगर घर में किसी ने उसकी पढ़ाई की तरफदारी की। क्या सिखा रही है ये पढ़ाई उसे? बेहयाई का मजारा करती फिर रही है पूरे घर में। दुपट्टा संभालने तो उसे आया नहीं है, और गैर मर्द से आंखें मिलाकर लिफाफा लेते हुए उसे शर्म नहीं आई। लेकिन बजान, खबरदार, जो उसकी हमायत में एक लफ्ज भी कहा तो। और तुमने क्या सोचा है? किस बारे में? डॉक्टरों की रिपोर्ट ने साबित कर दिया है कि तुम्हारी बीवी बांच है। पिछले 5 साल से वो एक औलाद को पैदा नहीं कर सकी। अब ये फैसला तुमने करना है कि उसे तलाक देकर दूसरी शादी करनी है या उसके फैसले से। आजान ये क्या कह रहे हैं आप? ना समझ आने वाली मैंने कोई बात नहीं की। तुम मेरे बड़े बेटे हो, मुझे मेरी नस्ल से वारिस चाहिए। अजान, आपकी नस्ल की वारिस तो फहाम की बेटी और अबीर, फिर उम्मीद से? बेटी नस्ल की वारिस नहीं होती, जाहिल इंसान। ये समझाना और बताना पड़ेगा तुझे। और रही बात ये कि वो फिर से उम्मीद से, अगर उसने फिर से बेटी को जन्म दिया तो उसके लिए भी वही हुक्म जारी करना पड़ेगा जो तुम्हारे लिए किया है। तुम दोनों की दूसरी शादी करनी पड़ेगी। जो औरत दूसरी बार भी बेटा ना पैदा कर सके, उसे तीसरी बार आजमाने की जरूरत नहीं। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, वो अबीर बीबी की तबीयत खराब हो गई है। क्या हुआ उसे? वो कह रही है अस्पताल जाने का वक्त आ गया है। अच्छा फहम तो अभी तक ऑफिस से नहीं आया। अफाक तुम गाड़ी निकालो, हम उसे लेके चलते हैं। फहम को फोन करो कि जल्दी आए, वही अपनी बीवी को लेकर जाएगा।
अबाजान, लेकिन उसका दफ्तर दूर है और... सुना नहीं तुमने? अपनी भाविज को इस हालत में देखते हुए शर्म नहीं आएगी तुम्हें? अफाक, तुम ऐसा करो, फहम को फोन करो, मैं अभी को देखती हूँ। बीबी जी, वो बेगम साहिबा के घर गई हैं, आप इफ्रा को अपने पास रखिएगा। हाँ, ले आओ उसे। जी। और हाँ जी, फहम भाई आ गए ऑफिस से? जी हाँ, वो आ गए, लेकिन अबीर बीबी को अस्पताल लेकर गए। वो भी आपके लिए खाना लेकर आऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं लगी। कुछ खा लें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ खा लें, तबीयत अच्छी हो जाएगी। मैंने कहा ना रजिया, मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं चाह रहा। जाओ तुम इफ्रा को ले आओ। जी ठीक है। या अल्लाह, अबीर भाभी को बेटे से नवाजना। तू जानता है इस घर में बेटियों को कबूल नहीं किया जाता। इफ्रा और मेरी बलाएं सिर्फ हमारे लिए ही रहने देना। हमारी मुसीबतें शेयर करने वाली कोई और ना है। फहम, तुम ऐसा करो कि रूम की बुकिंग करा लो, डिलीवरी किसी भी वक्त हो जाएगी। अम्माजान, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। नहीं, डॉक्टर से बात हुई है, सब कुछ नॉर्मल है। बस तुम दुआ करो कि बेटा हो। अम्माजान, आप भी ना? मैं नहीं बेटा, तुम्हारे बाबा जान की ख्वाहिश है। बाबा जान की ख्वाहिश इस बार भी पूरी नहीं होने वाली। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं पहले से जानता था, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स बहुत पहले से आ चुकी थी। इसका मतलब है कि नहीं नहीं, ये तो बहुत बुरा हो जाएगा पाप। क्या बुरा हो जाएगा? मेरी बेटी पैदा हो रही है ना, बाबा जान को इसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए। बेटा बेटा, तुम्हें छुपाना नहीं चाहिए था। अगर नहीं छुपाता तो बाबा जान एबॉर्ट करवा देते। जानती हूँ, मगर आप फिक्र ना करें, बाबा जान को मैं खुद फेस कर लूं। मैं रूम रिजर्व करवा के आता हूँ। गया? जी साहब। जी आफाक कहाँ? जी मैं बुलाती हूँ। जल्दी भेजो। बिल्कुल मेरे जैसी हो। हाँ माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। भाई वो फार्म को फोन करो, पता करो इतनी देर क्यों होगी। हेलो। हाँ हम सब खैरियत है ना वहाँ पे? जी भाईजान, सब ठीक है। ये बजान बात करना चाहिए। हेलो। जी बाबा जान। हाँ फहम, बताओ भाई क्या बात है? खैरियत तो है, इतनी देर क्यों हो गई? वो अभी अभी डिलीवरी हुई ना, इसलिए। हाँ बताओ भाई, हमारा पोता कैसा है, सेहतमंद तो है ना? वो
बेटी हुई है। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, जाओ यहां से। क्या हुआ, क्या कहा उन्होंने? फोन कर दिया उन्होंने। या अल्लाह खैर, अब पता नहीं क्या होगा। तुम इसे लो। इंतजार कर रहा था मैं। बेटी की बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू भाई। बाबा जान कहा? उन्हें ये कहने पर तो आया हूं। अंदर बैठे हैं, कह रहे हैं जैसी है उसे लेकर आओ। चलो चलिए। मेरी नजर में नामर्द है वो जो बेटा पैदा नहीं कर सकता, और तलाक के काबिल है वो औरत जो सिर्फ बेटियां पैदा करती है। मैंने दो दो बेटों को जन्म दिया लेकिन दोनों बेकार। मिनाल के जन्म के बाद मैंने चौथे बच्चे की ख्वाहिश इसलिए नहीं जाहिर की क्योंकि मैं समझ गया था कि तुम्हारी मां बेटी को भी जन्म दे सकती है। जानते हो बेटी के बाप होने का क्या मतलब होता है? एक ऐसा पहरेदार जिसने सारी जिंदगी उसका पहरा देना है कि वो कहीं उसके मुंह पर कलंक न मल दे। एक ऐसा शख्स जिसे हमेशा अपना सर झुका कर रखना पड़ता है। जानते हो निनाल को मैंने दहलीज के बाहर कदम क्यों नहीं रखने दिया? इसलिए कि कई लोगों को यह ना पता चल जाए कि इस घर में बेटी रहती है और मुंह उठाकर रिश्ते मांगने न चले आए। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये इल्जाम खुद पर लो या बीवी को ठहराओ कि तुम इस घर को, इस खानदान को उसका वारिस देने में नाकाम रहे हो। इसलिए मैं तुम दोनों की शादी का ऐलान करता हूं। भोजन मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता। तुम्हारी ये जरूरत कि तुम हमारे सामने खड़े होकर हमें इनकार करो? कोई जवाब नहीं बनता है बाबा जान। हमारे पास जो जवाब था हमने कह दिया। तुम्हारे पास इनकार का कोई जवाब नहीं होना चाहिए। तुम्हें सिर्फ हुक्म सुनने की इजाजत है, उस पर एतराज करने की नहीं। हमने जो कह दिया सो कह दिया। दफा हो जाए यहां से, दफा हो जाओ। आफाक, इसे समझा देना इस घर में वही होगा जो हम चाहेंगे। Thank you.
आज के बाद मैं नॉवल ही नहीं पढ़ूंगी। इसका हीरो तो रोज मिलने आ जाता। आ जाओ बीबी जी। वो क्या हुआ? इंफ्रा बीबी की फीडर है इस कमरे में, वो उठ गई है। नहीं मैंने तो नहीं देखी। अच्छा अब बात सुना। जी बीबी जी। तू ख्वाब देखती हो? हाँ बीबी जी, चैन से सोऊंगी तो कोई ख्वाब देखूंगी ना। इसका मतलब है तुम्हें तो ख्वाबों के बारे में कुछ पता ही नहीं। क्या पूछना है बीबी जी आपको? मुझे ये बताओ रजिया, कुछ ख्वाब सच्चे भी होते हैं ना? वो कौन से वाले ख्वाब होते हैं? बीबी जी मैंने सुना है जो सुबह की अजान से पहले देखे जाए ना, वो ख्वाब पूरे होते हैं। क्या तुम सच कह रही हो? जी हाँ। लीजिए मेरे सच की गवाही भी मिल गई। तो फजर की अजान हो गई। रसिया क्या वाकई फजर की अजान से पहले जो भी ख्वाब देखे जाए वो पूरे हो जाते हैं? बीबी जी आपने कौन सा ख्वाब देख लिया? अब मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा। तुम जाओ इफ्रा के पास। मुझे लगता है आपने अपनी शादी का ख्वाब देख लिया आज। रजिया चुप करो, जाओ जाके इफ्रा को देखो। जा। ये क्या फेंका है? साहब जी आप रुक जाइए। क्यों क्या हुआ? बड़े साहब कह रहे हैं वो आपके साथ जाएंगे। अच्छा ठीक है। सलाम बाबा जान। वालेकुम सलाम। आप कहाँ जाएंगे? मुझे नजीर के यहाँ छोड़ दें और बाद में मुझे वहां से ले लें। बीबी जी आप यहाँ क्यों हैं? बाहर आ जाइए ना। क्या हो गया रजिया? बाबा जान ने देख लिया ना तुम्हें और मुझे दोनों को गोली मार देंगे। अरे वो घर पे नहीं है। क्या मतलब? कहीं गए हैं क्या? जी हाँ वो अपने दोस्त के गए नसीरुद्दीन साहब के घर। और आपको पता है जब वो वहां जाते हैं तो रात तक ही आते हैं। हाँ और अफाक भाई कहाँ? वो भी उनके साथ ही गए। और अगर वो होते कौन सा आपको कुछ कहते? आज ही। हाँ बस चलते हैं, इफ्रा को भी मिलना था मुझे। देर बाद आएंगे ना? बेटा उन्होंने कह दिया तो फिर ये होके रहेगा। ऐसा कैसे हो सकता है अम्मा जान? वो मेरी शादी मेरी मर्जी के बगैर कैसे करवा सकते हैं? तो क्या तुम उनकी नाफरमानी करोगे? फरमा बरदारी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, पर मैं अबीर के साथ जुल्म नहीं कर सकता। मैं अपनी बीवी के साथ खुश हूं, तो बच्चियों का बाप बन चुका हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर उन्हें पोता चाहिए तो ठीक है, आप हाथ भाई की शादी करवा दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। और शायद अफाक भाई को भी कोई एतराज नहीं होगा। एक बीवी अगर भांज जाए तो दूसरी शादी वो कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। फहम गलती से भी ये बात अफाक और अर्जुन के सामने मत करना। जानता हूं मैं ये बात करूंगा तो उनका दिल दुखेगा, मगर मैं अब्बा जान के कहने पे ये सब कुछ नहीं कर सकता। तुम जानते हो बेटा कि वो सारे इंतजाम खुद कर सकते हैं, रिश्ते की हां से लेके शादी की तैयारियों तक वो सब खुद करवा देंगे। तो क्या शादी के रोज निकाह में नहीं बैठोगे? प्लीज अम्मा जान ऐसा होने से रोकिए,
मैं कैसे रोक सकती हूँ? तो आप क्या चाहती हैं? तो आप क्या चाहती हैं कि मैं शादी के दिन वहां से गायब हो जाऊं? ऐसा कभी सोचना भी मत फहम। खानदान के सारे लोग वहां पर मौजूद होंगे और मेहमानों के सामने इतनी बड़ी जिल्लत तुम्हारे बाबा जान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैं ये जुल्म कैसे बर्दाश्त कर लूं? बेटा तुम उनकी बात मान जाओ। मान जाओ उनकी बात। भरोसा करके तुम पछता रही हो? मैं कोई भरोसा करके पछता नहीं रही, समझे तुम? I'm sorry. पूरे 3 दिन के बाद आ रहे हो। कहा ना I'm sorry? कल आना था मुझे तुम्हारे पास एक्चुअली, लेकिन वो फार्म की मैसेज, उसे क्लिनिक लेके जाना पड़ गया। फिर मैंने तुम्हें बताया था ना मीनाल की तबीयत खराब थी, बुखार हो गया था। सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि अब्बा जान ने कान से पकड़कर बिठा लिया होगा? पुराने जमाने के आदमी और बातें भी पुराने जमाने की ही करते हो। एक्चुअली अब्बा जान ने हमें अभी तक पुराने जमाने में रखा हुआ है, ये तो हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। मुझे तो मीनाल का सोच सोच कर दुख होता है, बेचारी पता नहीं कैसे रह रही होगी वहां पर। हाँ वैसे तुम अपनी फिक्र करो, तुम भी उसी घर में जाने के ख्वाब देख रही हो। मुझे उस घर में नहीं जाना, मैं यहीं ठीक हूँ। वैसे एक गुड न्यूज है मेरे पास तुम्हारे। क्या? अब्बा जान मेरी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। क्या? और मजे की बात यह है कि उन्हें यह नहीं पता कि मेरी दूसरी नहीं तीसरी शादी होगी। अच्छा तो फिर शायद उन्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हारी तीसरी शादी के अगले रोज ही उन्हें तुम्हारी लाश मिलेगी उसी कमरे से। अच्छा बड़ी जलन हो रही है भाई। उस वक्त क्या हुआ था जब तुम मेरी दूसरी बीवी बनने जा रही थी? असूलन मुझे तुम्हारी पहली बीवी होना चाहिए था, लेकिन तुम ही डरपोक निकले थे। और एक मैं हूं जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, यहां तक कि अपने मॉम डैड भी। अच्छा ना आप ज्यादा इमोशनल हो रही है। सही वाली गुड न्यूज दूं? वो क्या? मैं आज शाम तक तुम्हारे साथ हूं, कहीं कोई कमिटमेंट नहीं। गुड न्यूज तो मैं तुम्हें देने वाली हूँ। क्या? मतलब कि हम किसी अच्छी सी लैब में जा रहे हैं। लैब में जा रहे हैं? क्या कह रही हो? अरे यार प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए। क्या? रे? पेन तो नहीं हो रहा आपको? जी नहीं बिल्कुल नहीं हो रहा। किसी किस्म का स्ट्रेस? स्ट्रेस तो नहीं है लेकिन लेटे लेटे थक गई हूँ। तो आप वॉक कर लीजिए ना, इस तरह लेटी रहेंगी तो अच्छी खासी बीमार लगेंगी। डॉक्टर हम इन्हें घर कब ले जा सकते हैं? अभी इनका एक टेस्ट होना बाकी है, इसकी रिपोर्ट आने तक ही मैं आपको कुछ बता सकती हूँ। ये टेस्ट हमारे हॉस्पिटल में नहीं होता, इसके लिए मैंने लैब रेकमेंड कर दी है, आप वहां से जल्द से जल्द टेस्ट करवा लीजिए। अच्छा थैंक यू डॉक्टर। ये फहम से कहना कि टेस्ट करवा लें। अम्मा जान अभी तो हो गया है, फिर इतनी दूर से वापस आएगा? ये सारे टेस्ट तो मैं भी करवा सकती हूँ, अब उसको रहने दीजिए, मैं करवा दूंगी।
वो 12 को रिपोर्ट पॉजिटिव है। थैंक यू, मुझे बोलना चाहिए बेवकूफ। थैंक यू, चलें। चलें। सोच नहीं सकते इस चीज में, हमेशा जुनून के लिए समय। तो तुम यहां क्या कर रही हो? अबीर की रिपोर्ट्स थी, वो डॉक्टर को दिखानी थी। फाहम था नहीं तो मैंने सोचा मैं ही दिखा। ये ईमान है, मेरे साथ ऑफिस में काम करती है, तबीयत खराब थी इसकी, तो वो कहने लगी टेस्ट करा दो, हॉस्पिटल ले आया मैं। तुम्हें घर ड्रॉप कर देना? नहीं, ड्राइवर है मेरे साथ, मैं चली जाऊंगी घर। अच्छा ठीक है, मर्जी तुम्हारी, मैं शाम में जल्दी घर आऊंगा। ओके बाय। चलिए डॉक्टर साहबा जी, ये जो साहब अभी यहाँ से गए, ये आफाक साहब थे ना? जी। आप मुझे बता सकते हैं इनके साथ ये खातून कौन थी? उनकी मिसेस थी। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये लोग यहाँ क्यों आए थे? सब खैरियत है ना? जी, उनकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी जो पॉजिटिव थी। बहुत थक गई हूँ, चाय पीऊंगी। चाय पियोगे? क्या बात है, क्या सोच रहे हैं? उसे सब पता चल गया होगा। एक ना एक दिन तो उसे पता चलना ही था। हाँ, लेकिन मैं उसे अखबार में लेके ये सब कुछ बताना चाह रहा था। बहुत बुरा असर लेगी अब वो सबका। फिलहाल तो तुम ही बुरा असर लेते नजर आ रहे हो। ईमान बहुत सेंसिटिव है, फिर पहले ही औलाद की नामालूमी का शिकार है, और फिर अब ये सब। शायद उसकी यही महरूमी हमारे लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट रखती है। और तुमने कहा था ना कि अब्बा जान तुम्हारी दूसरी शादी के लिए इसरार कर रहे हैं, अगर अर्जुन मुझे कबूल कर ले तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चली जाऊंगी। देखो, उन्हें तुम्हारी औलाद चाहिए ना, मैं दे सकती हूँ, और इस तरह मैं तुम्हारे घर में भी रह सकती हूँ। मैं अर्जुन के साथ बहुत खुश रहूंगी। इतना आसान नहीं है सब कुछ। अमान, अब्बाजान को मुझसे औलाद के नाम पे सिर्फ बेटा चाहिए। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बेटा होता है या बेटी। तब तक तो क्या, जिस तरह आज मेरी दूसरी शादी के कह रहे हैं, कल तीसरी शादी के लिए इसरार करेंगे, उस वक्त क्या करेंगे हम? इसका मतलब है मुझे उस घर में जाने के लिए मजीद इंतजार करना पड़ेगा, जब तक ये पता ना चल सके कि बेटा होता है या बेटी। मैम, ये सब तो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन अभी तो। हाँ, तुम्हें जाना चाहिए, तुम जाकर उसे कंसोल करो।